बाढ़ की विभीषिका झेल रहा बिहार, कैसे लगेगा इसकी नैया पार। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार इस वक्त बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। बिहार का लगभग बिहार के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। प्रभावित जिलों को लेकर के मुख्यमंत्री का दौरा लगातार जारी है। हालांकि गंगा नदी का जलस्तर अब भी बिहार सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अब भी लगातार गंगा नदी में जलस्तरों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देखिए, आज भागलपुर कहलगांव के तरफ मुख्यमंत्री का हवाई सर्वेक्षण रहा और जब वो लोगों के बीच जाकर के लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश की और खास तौर पर बिहार सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है उसका भी जायजा लिया। सुनिए फिर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। हर जगह देखना हर जगह बाइट लेने दीजिए। उसके बाद कहीं कहीं जा करके विशेष तौर पर देखते हैं कि इंतजाम क्या किया गया, ठीक इंतजाम है या नहीं, उसको देखना बहुत जरूरी है। और हर दिन एक एक चीज की जानकारी लेना। तो आप जानते हैं, हम लोग 2007 से जो आपदा प्रबंधन के लिए काम शुरू किया और ये भी कह दिया कि आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार सरकार के खजाने पर है, उसी को ध्यान में रख करके सब तरह का इंतजाम किया जाता है। पहले कोई सोचता भी नहीं होगा, आज हर तरह से इंतजाम किया जाता है कि कोई भी जो भी इलाका प्रभावित है वहाँ के लोगों को राहत देना है, उनको मदद करना है। क्या है तो बाढ़ की स्थिति तो जान ही रहे हैं। 2016 में भी गंगा नदी का जलस्तर बहुत बढ़ा था, उससे थोड़ा कम, लेकिन फिर भी इस बार भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। वैसे तो हर साल कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है। कई जगहों पर बहुत प्रभाव पड़ा है, लेकिन लोगों को राहत मिलना चाहिए, यही हम लोगों का देखना करता है। हर तरह से मदद। सीएम साहब, अफगानिस्तान में बिहार के कितने लोग फंसे नहीं पता, उसकी जानकारी। तो बढ़ता गंगा नदी का जलस्तर अब सरकार के लिए सिरदर्द बनने लगा है। सरकार भी अब हरकत में है और जगह जगह कम्युनिटी किचन की भी व्यवस्थाएं की गई है। एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। सरकार अपने तरफ से भरपूर कोशिश में है कि जान माल को नुकसान न पहुंचे और जगह जगह मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला है, सर्वेक्षण कर रहे हैं। आज हवाई सर्वेक्षण पर भागलपुर के एरिया में, भागलपुर नरकटियागंज के क्षेत्रों में जाकर के वो उनका दौरा है और लोगों से संवाद कर रहे हैं, सीधे मिल रहे हैं और उनके समस्याओं को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात है कि बिहार सरकार कब तक लोगों की बाढ़ वाली त्रासदी से बचाने में सक्षम हो पाती है या क्या कुछ आगे और होगा, उस पर सारी अपडेट्स हम आप तक लेकर पहुंचते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।